हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कबीर है और आज एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ मैं जोमेटो और स्विगी के लिए। ठीक है, तो अभी जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत दिन के बाद एक वीडियो मिलने वाला है जो जोमेटो और स्विगी पे कैसे हम इमेजेस, लिस्टिंग, डिस्क्रिप्शंस, कैसे हम उसकी सेल इंक्रीज़ करें, कैसे उसकी मार्केटिंग करें, ये सब चीज़ बताऊँगा मैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाला, बहुत शॉर्ट में वीडियो ये रहेगा। तो प्लीज़ इसको आप ना थोड़ा थोड़ा करके मत देखिएगा, एक बार जब भी देखिएगा टाइम निकाल के प्रॉपर देखिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जोमेटो और स्विगी को लेकर या ऑनलाइन बिजनेस अपना लेकर, तभी देखिएगा, अदरवाइज मत देखिएगा। ठीक है, कोई और पर्पज़ से वीडियो देखने का तो प्लीज़ मत देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें यही बताऊँगा कि जोमेटो और स्विगी पर हम बिज़नेस कैसे अपना बढ़ा सकते हैं और क्या क्या स्टेप हैं जिसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, ध्यान रखना है, और जो आपसे नहीं होता वो सब मैं करवा के दूँगा, क्योंकि ये ऑनडॉक्स जो लिखा हुआ है, ऑनडॉक्स एक कंपनी है, ठीक है, जिसका स्टार्टअप अभी छोटा ही सा हुआ है, बट ये क्या कर रहे हैं, जोमेटो और स्विगी का इनको एक्सपीरियंस है, तो ये इनको नॉलेज है उस लाइन का, तो ये आपको जितने भी वहाँ के काम होते हैं, जैसे इमेजेस हो गया, डिस्क्रिप्शंस हो गया, डिस्प्ले पिक्चर्स हो गया, मैप लोकेशन हो गई, कुजींस हो गई और मीनू कैटगरी हो गई, ये सब चीज़ें वो मेंटेन करके देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जोमेटो की बात कर लेते हैं। जोमेटो रेस्टोरेंट्स जो हैं उसका ऑनबोर्डिंग फीस जो कंपनी को डायरेक्ट जाता है 999 रुपये, उसके बाद प्रोफेशनल फीस यानी कि इनके ऑफिस का जो चार्ज है वो 600 रुपीज़ चार्ज है, जिसमें आपको जोमेटो का रेस्टोरेंट पूरा जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे चालू करा के देंगे लगभग 3 से 4 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, उसमें मीनू रहेगा आपका और आपके रेस्टोरेंट की पिक्चर्स रहेंगी, जो भी आप देंगे वो प्रोवाइड कराएंगे, ये सब चीज़ें अपडेट करके देंगे, मतलब एक तरफ से इनके हिसाब से रेस्टोरेंट चालू हो जाएगा। उसके बाद का आता है जोमेटो स्विगी। अच्छा, स्विगी के जो कंपनी की फ़ीस रहती है वो नहीं है, ये सिर्फ प्रोफेशनल फीस है जो 699 है। ठीक है, 699 है, और इसमें ये स्विगी का जो भी रेस्टोरेंट है स्विगी के प्लेटफॉर्म पे ये चालू करा के देंगे, प्रॉपर लाइव करा के देंगे आपको, इससे आपको कोई सरदर्दी नहीं है। इसके लगभग इसका भी सेम प्रोसेस है, 3 से 4 दिन 5 दिन ऐसे प्रोसेस रहता है, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। उसके बाद देखिए, अभी हमें दोनों पे, इन दोनों पे, स्विगी जोमेटो पे सेल इंक्रीज़ करने के लिए एक पहला स्टेप और भी है, जो है गूगल लिस्टिंग। गूगल लिस्टिंग भी हमें बहुत ज़रूरी है करना अगर जोमेटो स्विगी पे आप सेल चाहते हो। ठीक है, जोमेटो स्विगी से पहले एक गूगल के कस्टमर्स अलग रहते हैं, जो कहीं पे भी जाना है या कहीं पे भी कुछ अच्छा देखना तो गूगल पे भी लोग सर्च करते हैं कि हाँ फलानी चीज़ या दिखानी चीज़, और गूगल जोमेटो और स्विगी से बहुत सारे ज़्यादा ऑप्शन देता है। जब भी आप लिस्टिंग करते हैं बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस देता है कि आपके रेस्टोरेंट का कोई नाम डाले ना डाले, आप कोई भी चीज़ का नाम डालो, अगर वो चीज़ आपके रेस्टोरेंट पर अवेलेबल है तो आपका भी रेस्टोरेंट दिखने लगता है गूगल पर, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, गूगल पर भी लिस्टिंग ज़रूर कराइएगा। गूगल लिस्टिंग का भी है 699, वैसे ये सब चीज़ें फ्री होती हैं अगर आप खुद करते हैं तो, बट अगर कोई करके देता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी मेहनत का तो पैसा लेगा, तो उनका ये चार्ज है प्रोफेशनल फीस जो चार्ज करते हैं। ठीक है, अभी हम जोमेटो लाइव होने के बाद वाला काम करते हैं। जोमेटो डिस्प्ले पिक्चर आप अपनी मनचाही लगा सकते हैं, जैसे मान लो आपका मोमोस स्पेशल है, किसी का सैंडविच स्पेशल है, किसी का पिज़्ज़ा स्पेशल है, किसी का चाप स्पेशल है, किसी का नॉर्थ इंडियन स्पेशल है, मतलब डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेशली कौन सी कुजींस है, कौन से टाइप का आपका रेस्टोरेंट है, तो उस टाइप का आपके डिस्प्ले पिक्चर होनी चाहिए, जो ये डिस्प्ले पिक्चर चेंज करके देते हैं 669 में। ठीक है, उसके बाद एट मीनू पर आइटम की जो कॉस्ट है, जैसे मीनू आपका, जैसे मान लो 10 आइटम है आपके पूरे लिस्ट मीनू में, तो उसमें की कोई भी आइटम पे आपकी पिक्चर्स नहीं लगी है, तो ये सभी पिक्चर्स लगा के देंगे, जितनी आप कहेंगे, जिस पे कहेंगे उस पे ये पिक्चर्स लगा के देंगे। पिक्चर्स इनकी अपनी होंगी, आपको सिर्फ आइटम्स का नाम बताना है, पिक्चर्स इनके पास अपनी होंगी, ये लगा के देंगे, अप्रूवल करा के देंगे कंपनी से। ठीक है, और उसका एक पिक्चर्स का ये चार्ज करेंगे 29 रुपीज़, ये रुपीज़ जो भी है ये फिक्स है, इस पर कम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एड डिस्क्रिप्शंस पर आइटम्स। डिस्क्रिप्शंस आप खुद भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट सबको सब पता है कि मोटे से पतला कैसे होना है, लोग नहीं हो पाते हैं। उसका रीज़न क्या है, पता तो हमको है कि अगर हम दौड़ेंगे, भागेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो पतले हो सकते हैं, बट नहीं होता सब काम अपने से, तो एड डिस्क्रिप्शंस आप खुद कर सकते हैं पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास और भी बेहतर काम है, इसलिए लोग करवाते हैं, तो 20 रुपीज़ पर आइटम चार्ज इसका है। ठीक है, देन अभी हम थर्ड
अभी हम जाते हैं मेनू सेटिंग कैटगरीज, ठीक है। अच्छा, मेनू सेटिंग कैटगरीज क्या है, 100 रुपीज़ सिर्फ इसका चार्ज करते हैं और इससे आपको बेनिफिट बहुत होने वाला है। अभी मान लो हमने जोमेटो पे लिस्टिंग कराया, तो जोमेटो को हम पूरा मेनू भेजते हैं। अभी जोमेटो ने अपने हिसाब से उसका मेनू की सारी आइटम्स डाल के दे दिया। अब पता चला आपका जैसे नूडल स्टेशन्स नाम है मान लो आपके आउटलेट का, और उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, जैसे लाइक मोमोज रखे हुए हैं और बर्गर्स रखे हुए, सैंडविचेस रखे हुए, पिज़्ज़ा भी रखे हुए हैं। तो जो सेटिंग्स होती है मेनू सेटिंग कैटगरीज, कैटगरीज में सबसे पहले क्या आना चाहिए, चाइनीज स्टेशन या नूडल स्टेशन, तो सबसे पहले नूडल्स वाला जो कैटगरीज है वो आनी चाहिए। उसके हिसाब से इनको पता होता है कौन सी कैटगरीज किसके नीचे आएगा, स्टेप बाय स्टेप ये सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या होता है, आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो रेस्टोरेंट है, ये एज ए ब्रांडेड दिखता है और सही मायने पे सही दिखता है, ठीक है। तो ये भी करवाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं है, बट जिसको नॉलेज है वो कर सकता है, आप भी कर सकते हो, कोई मेहनत का काम नहीं, 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, बट नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नॉलेज नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट मान लो कौन सा रन कर रहे हैं अब ये बताएंगे, तो ये अपने हिसाब से गाइड भी कर देंगे, बाकी आपके हिसाब से ये डिस्काउंट रिमूव आप भी कर सकते हो, रिमूव करके एक्टिव कर देंगे, आप भी एक्टिव कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अभी आ जाते हैं स्विगी। स्विगी का भी सेम मेथड ऐसे है, पर आइटम्स 8 इमेज पर आइटम्स 45 है। अच्छा, जोमेटो में 29 था, इसमें 45 है, ठीक है। एक आइटम्स का चार्ज सेम, उसकी कंडीशन सेम ऐसी है। उसके बाद आ जाते हैं फसाई, ठीक है, फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 1 ईयर का 599, 2 ईयर का 1000, 3 ईयर्स का 1400 और 5 ईयर का 1800, ठीक है। इसका ये चार्ज है अलग अलग, और ये 1 से 2 वीक के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। उसके बाद GST रजिस्ट्रेशन 1 वीक के अंदर सर्टिफिकेट दे देते हैं आपको, जिसमें लगता है 199। इसका चार्ज फ्री रहता है सब चीज़ें, ठीक। इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहती है, गवर्नमेंट फीस 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ ऐसे रहती है सब चीज़ों की, बट करने वाले लोग अपनी मेहनत और अपनी नॉलेज की मेहनत का पैसा लेते हैं, ठीक है। इनकी फ़ीस बहुत कम होती है गवर्नमेंट फीस, बट नॉलेज तो बहुत मेहनत से होती है ना, हर किसी को नॉलेज नहीं होती, जो जिसमें स्पेशल है वो उसकी नॉलेज को बेहतर होगी, तो इनको इसमें नॉलेज बेहतर है, तो ये अच्छे से अच्छा काम करके आपका देंगे। उसके बाद आ जाते हैं रिव्यू। मान लो आपका रेस्टोरेंट चालू हो गया, मेनू सही हो गया, इमेजेस सही होगी, उसके बाद मान लो कस्टमर विजिट करता है, आपका नया रेस्टोरेंट है, तो उस पर रेटिंग्स के लिए ना 60 से कम 60 दिन लगता है उसके रेटिंग्स निकलने के लिए। और रेटिंग्स निकलती कैसे है, हमारे या कस्टमर के रिव्यू से। तो रिव्यू जो डलवाएंगे पर कस्टमर रिव्यू, ये 20 रुपीज़ चार्ज करें, कम से कम आपके रेस्टोरेंट पे, नया रेस्टोरेंट है या पुराना रेस्टोरेंट है, पुराने पे तो रिव्यू आ जाता है, नया रेस्टोरेंट पे कम से कम 50 रिव्यू होने चाहिए, ऐसे कस्टमर फीडबैक जरूर पड़ता है आजकल के टाइम पे। उसके बाद कांटेक्ट करने के लिए आप कबीर सिंह को, मुझे खुद कांटेक्ट कर सकते हैं आप, उसके बाद यस है, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद अच्छा, पेमेंट मेथड क्या है, 50% एडवांस है एंड 50% आफ्टर कंप्लीट वर्क के बाद। ये मेरा कंप्लीट वीडियो है, और इसके बाद भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये जो नंबर दिख रहे हैं, ये वाले नंबर जो बीच में दिख रहे हैं कबीर सिंह वाला, इस पर ज़रूर कॉल करना है आपको, ठीक है। अच्छा, मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, और जिसको भी ये जानकारी बेहतर लगी, अच्छा समझा, वो आगे ज़रूर शेयर करें, और मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप किसी भी काम के लिए भी, जोमेटो, स्विगी या गूगल, इस तीनों के काम के लिए मेरे को कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल करके परेशान मत होना, मेरे को व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज कुछ भी आप डाल देंगे, मैं खुद कॉल बैक कर लूँगा, पर कम से कम आप अपना किस लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो ये रीज़न ज़रूर डालेंगे, ठीक है सर। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।